हेलो गाइस, वेलकम टू माय कुफेटेक चैनल। दोस्तों आज हम लोग सैमसंग J2 का FRP अनलॉक करने वाले हैं, तो किस तरह से करते हैं दोस्तों, चलिए यही देखने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो 2021 का नया अपडेट है दोस्तों, चलिए यहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ किस तरह से आपको। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना है, तो मतलब अभी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि किस तरह से ये FRP लॉक मांगता है। तो चलिए ये देखिए, मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपनी वाईफाई ऑप्शन मांग रहा है, तो यहाँ पर अपना वाईफाई कनेक्शन दे दीजिए। तो मतलब यहाँ पर चलिए मैं मेरा यहाँ पर कोड डाल देता हूँ वाईफाई का। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग कोड डाल देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, वीडियो आराम से देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो आपको थोड़ी सी गलती के लिए आप अपना मोबाइल FRP लॉक अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं देखिए अभी नेक्स्ट करता हूँ, पासवर्ड डाल चुका हूँ। चलिए सिंपल यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर एग्री करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपल एग्री करने के बाद यहाँ पर वेट लेंगे दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा यहाँ पर। तो मतलब ये हम लोग करते तो हमें आगे बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ईमेल आईडी हमें मालूम नहीं होता है, पासवर्ड मालूम नहीं होता है, तो वहाँ पर हम लोग तब वहाँ पर लॉक हो जाते हैं। मतलब यही इसलिए ये 2021 का नया अपडेट के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी मांग रहा है, और यहाँ पर नेक्स्ट का स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नेक्स्ट आ रहा है। तो चलिए इसे ही हम लोग अभी अनलॉक करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अभी बैग ले लेते हैं, पूरा बैग जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था उसी पर हम लोग बैग ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर पूरा मैं बैग ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पर पूरा बैग जाएंगे हम लोग। चलिए एक बार फिर से दबा देता हूँ। चलिए आ जा बैग, ओके। चलिए यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, होम बटन यहाँ पर हमें 5 बार दबा के रखना है, मतलब दबा के नहीं रखना है, 5 बार दबाना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5, चलिए यार फिर से एक बार 1 2 3 4 5, ये देखिए टॉल बैक ऑप्शन चालू हो गया। अब स्क्रीन पे आपको L लिखना है, मतलब स्क्रीन पे देखिए, जैसे मैं स्क्रीन पे अभी आपको दिखाऊंगा, इस तरह से L लिखना है। जैसे ही L लिखेंगे यहाँ पर टॉल बैक ऑप्शन, ये देखिए सेटिंग, टॉल बैक सेटिंग, इसके अंदर इंटर होना है। अभी यहाँ पर ये टॉल बॉक्स सेटिंग इंटर हो चुका है, आपका टच यहाँ पर काम नहीं करने वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन आपको दोनों साथ में दबाना है और छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये जैसे मैं दबा रहा हूँ, चलिए दबा लेते हैं इसे, और चलिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो उसे बस हमें ओके करना है। ये देखिए आ चुका है, तो सिंपल हम लोग इसे ओके कर देंगे। तो सिंपल है दोस्तों, आप लोग आसानी से ये कर सकते। अभी हमें इसके आगे देखिए यहाँ पर प्राइवेसी करके नीचे आप लोग लेंगे ना, स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहाँ पर देखिए प्राइवेसी पॉलिसी करके लिखा है ना, इंटर होना है इसमें, और क्रोम में इंटर होना है। जैसे ही हम लोग क्रोम में इंटर होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है। चलिए यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। चलिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग करेंगे नो थैंक्स। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर हम लोग नो थैंक्स टच कर देंगे, यहाँ पर नो थैंक्स, ओके। तो चलिए अभी यहाँ पर दोस्तों दो एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो फर्स्ट तो अभी देखिए, जैसे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो फर्स्ट ये एप्लीकेशन हमें जो सर्च वो करना है, गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1। तो यही इस तरह से आपको लिखना है दोस्तों, ये देखिए 5.1 का गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1। तो इसे हमने, चलिए यहाँ पे फर्स्ट जो आपको लिंक दिख रही है इसके ऊपर सिंपल हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वेट करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग नीचे देख रहे हैं 5 सेकेंड वेट। तो वेट करते हैं और फिर हमें यहाँ पे पेज ओपन होने वाला है ये। तो सिंपल हमें इसे डाउनलोड करके लेना है। तो चलिए इसे हम लोग वेट करते हैं और ओपन होने देते हैं पेज को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पेज ओपन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे। ये देखिए ओपन हो चुका है। अब सिंपल हम दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा नीचे। चलिए ये देखिए रेड वाला ऑप्शन, चलिए हम लोग इसे डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो चलिए इसे भी यहाँ पर भी वेट लेगा थोड़ा, तो नीचे पॉपअप शो हो जाएगा दोस्तों, बस हमें ओके करना है और ओपन करके लेना है, मतलब इसे इंस्टॉल कर लेना है हमें एप्लीकेशन को, क्योंकि इसमें है ना ये फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऑप्शन में इसमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है, मतलब 3 डॉट पे ऊपर। तो चलिए इसे हम लोग ओपन करके, फर्स्ट तो इसे हम लोग डाउनलोड करके ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए सेटिंग में जाएंगे यहाँ पर, और ये वाला ऑप्शन है जो अननोन सिक्योर, इसे ऑन कर लेते हैं। चलिए इसे हम लोग ओके कर देते हैं, तो हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा।
तो चलिए दो दो तीन तीन MB के दोस्तों ये एप्लीकेशन है, तो चलिए इसे इंस्टॉल करके ले लेते हैं फर्स्ट ये अकाउंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमें ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो 5.1 का ही कीजिए दोस्तों, नया अपडेट में यही सपोर्ट करता है। तो चलिए इसे डन कर लेते। ओके दोस्तों, अभी ये तो हमारा हो गया काम फर्स्ट एप्लीकेशन का। तो सेकेंड एप्लीकेशन हमें अभी यहाँ पर सर्च करना है, तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे क्विक मेकर। तो ये सेकेंड वाला एप्लीकेशन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन। मतलब दो एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत है, फर्स्ट तो हमने इंस्टॉल कर दिया, अब ये सेकेंड वाला हमें इंस्टॉल करना है क्विक मेकर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सिंपल क्विक मेकर यहाँ पर लिख देते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मुझे पहले फर्स्ट तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं क्विक मेकर। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, जैसे कैमरा भी ऊपर है और उस कैमरे में देख के टाइप करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं क्विक मेकर लिख लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टाइप करने के बाद क्विक मेकर ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, क्विक शॉर्टकट मेकर 2.4.0। तो फर्स्ट हमें इसे क्लिक करना है, इस लिंक पर आप लोग क्लिक कर देना। और ये देखिए यहाँ पर ब्लू वाला सिंबल, यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन 2 MB का है, तो इसे भी हम लोग डाउनलोड करके ले लेते हैं। चलिए इस वाले पे, ग्रीन वाले पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर भी चलिए इसे हम लोग डाउनलोड क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए पॉपअप शो हो गया, यहाँ पर ओके कर देंगे और यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा, तो हम लोग चलिए यहाँ पर इसे ओपन कर देते हैं। यहाँ पर सेटिंग में जाके फिर से वही जो अननोन सीक्वेंस है उसे हम लोग ओपन कर देंगे। चलिए यहाँ पर अभी इंस्टॉल करके ले लेते हैं ये एप्लीकेशन। तो दोस्तों यही अभी कुछ नहीं, बस एक ईमेल आईडी अपना तैयार रखिए। तो चलिए इसे ओपन कर लेते, आपका ईमेल आईडी होगा या फिर बना लीजिए आप दूसरे मोबाइल से ईमेल आईडी एक नया, तो बस ये ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर देखिए अभी गूगल करके यहाँ पर आपने सर्च करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं गूगल अकाउंट, तो सिंपल आप लोग खाली गूगल डाल देना तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है गूगल अकाउंट मैनेजर, तो सिंपल इसे हम लोग ओपन करना है। चलिए इसे ओपन कर लेते। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए गूगल अकाउंट मैनेजर टाइप ईमेल एंड पासवर्ड दो है, तो ऊपर वाला हमें क्लिक करना है, तो इस वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए और यहाँ पर ट्राई पे क्लिक करना है, सिंपल चलिए ट्राई पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर आप कोई पासवर्ड नहीं डालना है, 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे, सिंपल ब्राउजर साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ब्राउजर साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अभी ईमेल आईडी डालना है, मतलब आपने मैं अभी बताया था आपको कि एक ईमेल आईडी बनाइए या फिर आपका जो भी पुराना ईमेल आईडी होगा यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाल चुका हूँ। चलिए सिक्योरिटी के लिए ज़रा मैं यहाँ पर पासवर्ड नहीं बताऊँगा, तो चलिए यहाँ पर मैं ये देखिए दोस्तों पासवर्ड भी डाल दिया हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पर अभी देखिए नेक्स्ट हो रहा है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल हमें अभी मोबाइल रिस्टार्ट करना है या फिर आप पावर ऑन भी कर सकते हो, पावर ऑफ। तो चलिए मैं यहाँ पर रिस्टार्ट कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पर ओके। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, मतलब ये आपका मोबाइल कम्प्लीटली हो चुका है। और एक बात दोस्तों, टॉल बैक ऑप्शन ऑन होता है, सेटिंग में जाके हमें इसे ऑफ़ करना है, वही भी मैंने इस वीडियो में बताया हूँ कि किस तरह से आपको ये ऑफ़ करना है। तो चलिए अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है, फटाफट ये हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हमें सिंपल नेक्स्ट कीप नेक्स्ट कीप जो भी नीचे ऑप्शन आएंगे खाली, तो उस पर हमें क्लिक करते रहना है। तो चलिए यहाँ पर अभी इसे ओपन होने देते। और हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ये मतलब वीडियो 2021 का नया अपडेट का J2 का है, बाकी जो YouTube के वीडियो जो आप देख रहे हो कि मतलब जो पुराने वीडियो वहाँ पर पड़े हुए नए, मतलब जो अपडेट नया नया आता है तो उस तरीके से सोल्यूशन इसका भी आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, और जिस जगह पे मुझे स्किप नज़र आएगा वहाँ पे मैं स्किप करूँगा। तो सिंपल दोस्तों आपको यही करना है, अभी आपको गूगल अकाउंट यहाँ पे नहीं पूछेगा, तो डायरेक्टली ये मोबाइल ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने बिल्कुल यहाँ पर वीडियो थोड़ा भी मैंने यहाँ पर कट नहीं किया, क्योंकि आपको अच्छे से समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर कट नहीं किया बिल्कुल। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे। हमारा वाईफाई ऑलरेडी कनेक्ट है, तो चलिए वाईफाई भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो टॉलबैक ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों चालू है, तो इसे भी हमें बंद करना है। तो उसी तरह से बंद करना है, हमें वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करके रखना है। तो ऑप्शन आने के बाद हमें सिंपल ओके करना है। तो चलिए यहाँ पर अभी इसे हम लोग होने देते हैं।
सिंपल देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है यहाँ पर, तो ये फास्ट हो जाएगा दोस्तों। अभी देखिए नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पर मैं देखिए अकाउंट भी एडिट हो चुका है जो हमने डाले थे, चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कर लेते। तो पहले इसे हम लोग बंद कर लेते हैं, इसका टॉल बैक ऑप्शन है। चलिए वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखना है, छोड़ देना है। चलिए फिर से एक बार ओके, चलिए यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर ओके करेंगे। अब ये टॉल बैक ऑप्शन बंद हो चुका है अपना, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अभी बिल्कुल आपको स्किप नेक्स्ट यही दो ही ऑप्शन दिखाई देंगे, वहाँ पर आपको बिल्कुल टच करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पर भी मैं स्किप और नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर हो चुका है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये स्किप का ऑप्शन आ चुका है, चलिए यहाँ पर मैं स्किप कर लेता हूँ। तो आसान है दोस्तों, आप लोग ये बिल्कुल इजीली FRP आपका अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी आप लोग नेक्स्ट करना ओके, और चलिए यहाँ पे भी स्किप एनीवे पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर ओके, और यहाँ पे मोर पे क्लिक करके ओके, चलिए यहाँ पर भी कर देते हैं ओके। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और ये दोस्तों आपका मोबाइल हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर फिनिश पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये FRP आपका अनलॉक हो चुका है। अभी आपको सिर्फ एक काम करना है, इसका टॉल बैक ऑप्शन ऑन है, क्योंकि आप जब भी मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे ऑन करेंगे तो टॉल बैक ऑप्शन ऑन होएगा, मतलब ये प्रॉब्लम आएगा आपको। तो सेटिंग में जाना है, तो सेटिंग में इंटर होने के बाद ये यहाँ पर आप लोग देख रहे एसेबिलिटी, तो चलिए इसके अंदर जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर देखिए टॉल बैक ऑप्शन होगा। ये देखिए टॉल बैक ये ऑन है, तो इसे सिंपल हमें ऑफ़ करना है। तो चलिए इसे ऑफ़ कर लेते हैं ओके करके। चलिए तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे बता देना कमेंट में, और हाँ दोस्तों आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।